बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से मैं आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि अमेरिकन जो है वो शिफ्ट कैसे होते हैं अपनी पॉलिसी में, शिफ्ट इन दी यूएस पॉलिसी, कि 1965 की वार के दौरान बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते, उन्होंने पाकिस्तान से एक तो आंखें मोड़ी और दूसरे नंबर पे जो आर्म्स एंड एमिनेशन की सप्लाई पे है वो पाबंदी आयद कर दी इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर, जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत इंडिया के, क्योंकि इंडिया को तो ऑलरेडी सोवियत यूनियन जो है वो सप्लाई कर रही थी आर्म्स एंड एमिनेशन। तो आगे चल के बात करते हैं कि 1965 के बाद कैसे डिवेलपमेंट्स होती हैं। एट द एंड ऑफ 1965 वार, US पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान एंटर्ड इन टू ए पीरियड ऑफ नेगलेक्ट, यानी कि नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर दिस, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, क्यों अमेरिका ने पाकिस्तान से नज़रें चुराना शुरू कर दी। देयर वर सेवरल रीजन फॉर दिस शिफ्ट इन US पॉलिसी। पहली वजह क्या थी, फर्स्ट द डिसीजन मेकर्स ऑफ US डिसाइडेड दैट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हैड डाइवर्टेड both the countries from genuine regional accord and the americans arms were being wasted, ke jo inka asal maqsad tha jo america jis maqsad ke liye dono powers ko use karna chahta tha ya jis angle se dekhna chah raha tha ke wo uske liye kaam karengi, ye aapas mein jab inki thann gayi to ye sirf aur sirf aapas mein engage ho gaya, sirf aur sirf apne aap ko protect karne ke liye, apne aap ko strengthen karne ke liye inki nazrein dusre countries par jamna shuru hogi। to जो कंट्री अपनी सालमियत के लिए, अपने दिफा के लिए कोई शिकार हो, वो दूसरे के लिए कैसे जंग लड़ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी जो अमेरिका ने समझा कि जो इन्होंने आर्म्स एंड एमिनेशन इनको सप्लाई किया था, कि कहीं जब अमेरिका किसी से वार करता है लाइक यूएसएसआर, तो यही वेपन जो है किसी वक्त उसके दुश्मन के खिलाफ यूज़ होंगे। लेकिन ये क्या हुआ कि ये तो आपस में जंग इन्होंने कर दी और वही हथियार इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और दूसरी क्या वजह थी, इट वॉज़ अ टाइम when detente between two global powers was growing, the anti-soviet passions were dying down and US was engaged in crucial dialogue on the control of nuclear weapons। ab ye daur tha jab USSR aur US dono countries aapas mein ladne ki bajaye ek dusre ke sath thoda sa samjhota karne ke mood mein ja rahe the aur aahista aahista jang se dur ja rahe the taaki दोबारा कोई सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह कोई वार ना स्टार्ट हो जाए। तो इस मकसद के लिए अमेरिका ने काफ़ी अपनी पॉलिसी शिफ्ट की और बजाय इसके कि यूएसएसआर को टारगेट करते, उन्होंने ये देखा कि पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको इरेडिकेट किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा जो पाकिस्तान को पहले वो सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ रशिया के ख़िलाफ़, अब जबकि वो रशिया के ख़िलाफ़ ही इतने नहीं रहते तो वो क्यों सपोर्ट करते पाकिस्तान को। तो ये एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान से दूरी का फैसला कर लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्ट्रेटेजिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड यू एस फेल टू कॉन्साइड विद ईच अदर, लिहाजा पाकिस्तान के जो मकासद और अमेरिका के जो मकासद थे वो मुख्तलिफ हो गए। पाकिस्तान का मकसद क्या था कि उसको एड मिले, सपोर्ट मिले और वो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अमेरिका क्यों स्ट्रॉन्ग करता, इसलिए करता कि वो कभी यूएसएसआर के ख़िलाफ़ लड़े। जब वो यूएसएसआर के ख़िलाफ़ ही नहीं इतना रहा, वो लड़ना ही नहीं चाहता, या वो उससे जो है कुछ समझौता करने के मूड में चला गया, तो दोनों के जो मफादात हैं वो अलग अलग हो गए। दो अमेरिकन्स टर्मिनेटेड देयर मिलिट्री प्रोग्राम्स फॉर द पाकिस्तान इन 1967, बट दे स्टिल यूज पाकिस्तानी लैंड फॉर स्पाइंग पर्पजेज। 1967 में जो है जो असिस्टेंस के पैकेज वगैरह था वो ख़त्म कर दिया गया सारा प्लान, लेकिन जो पेशावर में पाकिस्तानी बेस जो रेंट पे उन्होंने हायर की हुई थी उसको स्टिल वो यूज़ सर्विलेंस के लिए कर रहे थे यूएसएसआर के अगेंस्ट। दे यूज टू मोनिटर द सोवियत यूनियन फ्राम अ बेस सिचुएटेड इन पेशावर टू स्पाई प्लान्स, जो जो जासूसी तैयारियाँ उनके ज़रिए स्पाइंग कर रहे थे। इन 1968 पाकिस्तान सेंट इन नोटिस टू यूएस टू क्लोज इट्स मॉनिटरिंग बेस एट पेशावर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स लीज़ पीरियड, जो लीज़ का पीरियड था 10 साल का, पूरा होने पे पाकिस्तान ने उसको नोटिस भेज दिया अमेरिका को कि वो अपना इस बेस को बंद करे। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान और अमेरिका किस तरीके से
ایک دوسرے سے دور جانا شروع ہوئے اور تعلقات ان کے کیسے ٹرمینیٹ ہوئے. آج کے لیے اتنا ہی, نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, آگے چل کے مزید جو چیزیں ہیں وہ کور کرتے جائیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.